हर वक्त मुलाकात रहती है। तो विजय चौधरी जी से कोई नई बात तो नहीं है, मंत्री हैं और नीतीश कुमार जी के बहुत करीबी हैं और नीतीश कुमार जी का निर्देश है कि जीतन मांझी की जो समस्या है उसको आप सुनिए, मेरे तक पहुँचाइए। तो इस क्रम में प्रायः मुलाकात होती रहती है, वो भी कभी कभी आते हैं, इसका कोई अर्थ तो नहीं लगाया जाना चाहिए। पिछले दिनों सर मुख्यमंत्री जी से भी मुलाकात हुई थी, फिर लगातार मुलाकात हो रही है, कहा जा रहा है कि जीतन मांझी जो है वो सीटों को लेकर नाराज हैं या फिर कहीं ना कहीं से क्या नाराजगी है सर? सीटों की बात कहाँ है, कोई बात अभी नहीं है, कैसे होगा, एक व्यक्तिगत आदमी कैसे बात करेगा, सामूहिक बात होगी। महागठबंधन है, सात दल का गठबंधन है, सातों की राय बनेगी, किसको कितना मिल सकता है नहीं मिल सकता है उस समय तय होगा। अभी कहना अप्रैल मैच्योर होगा और नहीं कहना चाहिए, तो इसके लिए उसको कुछ कहा नहीं जा सकता है, वेट कीजिए देखिए क्या होता है। बीजेपी के लोग इस बात के खुश हैं, उनका कहना है कि जीतनराम मांझी जल्दी हमारे पाले में आएंगे। अब वो कहते हैं तो हम उनको शुक्रिया अदा करते हैं, लेकिन हमारी अभी तो कोई ऐसी प्लानिंग है नहीं, और अभी हम महागठबंधन में हैं नीतीश कुमार, जब तक हमारी बातों की मान्यता देते रहेंगे तब तक उनसे हटने का क्या सवाल है। जब नकारात्मक कोई बातें होगी, कोई शर्त के आधार पर काम बात नहीं होगी तभी ना हो सकता है, तो ऐसी बात तो अभी है नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।